इसका 7.6 फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। पहले आपको जानना है कंसेंट क्या होता है, देन आप जानेंगे व्हेन इट इज टू बी फ्री। कंसेंट का मतलब होता है व्हेन टू पार्टीज अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। यानी जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि दो पार्टी है और मारुति कार के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होना है और उन्होंने बोला कि हमें स्विफ्ट लेना है। अब स्विफ्ट में ये क्लियर नहीं किया कि सिंपल स्विफ्ट लेनी है या सिर्फ डिजायर लेना है, तो यहाँ पे कंसेंट नहीं माना जाएगा। एक पार्टी समझेगी स्विफ्ट सिंपल और दूसरी पार्टी यदि समझ रही है सिर्फ डिजायर, तो यहाँ पे कंसेंट ब्रेक माना जाएगा और ये वैलिड नहीं होगा। टाइम सेम होना चाहिए, सप्लाई का या पैसे लेने देने का जो टाइम वहाँ पे है वो मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस डेट को पैसे का ट्रांजैक्शन होना है। ये सारे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे कंसेंट है। अब हमको जानना है ये कंसेंट फ्री कैसे होता है, व्हेन इट इज टू बी फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री होने के लिए नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं होने चाहिए। वो पहला एलिमेंट है पोर्शन। पोर्शन यानी उत्पीड़न। ठीक है, किस ये आपको फ्री कंसेंट एक चैप्टर पढ़ना है, आगे पूरा डिटेल में पढ़ना है, सारे एक एक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने होंगे और पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने होंगे। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तीसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ वन इज फ्रॉड एंड फिफ्थ इज मिस्टेक। ये आपको जानने हैं कि वो 5 एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए एक कंसेंट को फ्री होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट डिक्लेयर्ड वैड एग्रीमेंट। अभी आपने पढ़ा वैड एग्रीमेंट क्या होता है पिछली क्लास में, तो वैड एग्रीमेंट यानी जो एनफोर्स नहीं हो पाता है वो वैड हो जाता है। यहाँ पे कहता है नॉट डिक्लेयर्ड वैड एग्रीमेंट बाई कोर्ट। ठीक है, किसी भी तरह से ये वैड नहीं होना चाहिए। कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो पहले से डिक्लेयर्ड है कि वैड ही होंगे, इनको किसी भी तरह से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। जैसे आपने सारे एसेंशियल्स पढ़े कि माइनर होगा तो एनफोर्स नहीं हो सकता है, यानी एडल्ट होना चाहिए, कंसेंट फ्री होने चाहिए। और इसके साथ आगे आपको जानना होगा रिस्ट्रेंट इन मैरिज, ये सेक्शन 25 में आता है। रिस्ट्रेंट इन ट्रेड यानी किसी की व्यापार में रुकावट डालना, किसी की शादी में रुकावट डालना। रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी कहीं पे जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वहाँ पे रुकावट डालना। और ये बेसरी कॉन्ट्रैक्ट, बाजी का छलावा, जहाँ पे पैसे लगा करके बाजी किए जाते हैं, स्टेक्स लगते हैं, बेजरी उसको बोलते हैं, ये सारे नहीं होने चाहिए। ये पहले
का पॉइंट मीनिंग ऑफ विच इज सर्टेन। यहां पे आपको जानना है कि ये एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, मीनिंग बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सर्टेन का मतलब जैसे मान लिया ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऑयल अगर सप्लायर और शॉपकीपर में ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप 31 मार्च तक 100 टन्स ऑयल मेरे यहाँ सप्लाई कर दीजिए शॉपकीपर के अंदर सप्लायर से, तो यहाँ पर ये सप्लायर कोई भी ऑयल सप्लाई कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोई भी ऑयल सप्लाई कर सकता है क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, शॉपकीपर को क्लियरली ये मेंशन करना है कि आप कौन से किस टाइप का ऑयल चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जानना कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात कि आप जान लीजिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी वैलिड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिटेन भी वैलिड होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट रिटेन के साथ साथ रजिस्टर्ड होता है वो भी वैलिड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट से काम चल जाता है, जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेन ही हो, वहाँ ओरल तो चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें पहले से तय है कि ये रिटेन होगा तभी वैलिड होगा, तो वो रिटेन होना चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटी बिल्कुल रिटेन होगी तभी वो वैलिड माना जाएगा। और तीसरे टाइप का है कि रिटेन के साथ साथ रजिस्टर्ड होगा तभी वो वैलिड होगा, सिर्फ उसको रिटेन कर दिया गया तो भी वो वैलिड नहीं होगा जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे प्लॉट्स खरीदे बेचे जाते हैं, मकान खरीदा बेचा जाता है, उसकी रजिस्ट्री होती है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो वो बिना रजिस्ट्री के वैलिड होगा ही नहीं, तो वहाँ पे रिटेन और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, आपने बहुत तरह की कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और भी कंपनी, आप सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ये जानना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अगर रिटेन हो तो भी ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी रिटेन के साथ साथ रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, ठीक है। देन और भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रिटेन के साथ साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आपको केस लॉ भी है जो आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, आप यहाँ पे इतना जान लीजिए। यदि लव एंड अफेक्शन से इन्फ्लुएंस होके कोई भी
एनफोर्स या बिलिटी, यानी ये एनफोर्स होने के लायक है।